कन्या कौन है? लगता है मध्य रात्रि से यही है। चलो गुरु मातंग ऋषि को सूचना देते हैं। रुको, पहले इससे पूछ तो लो कि ये कौन है, यहाँ क्यों आई है। हाँ हाँ ये ठीक है। ए लड़की उठो, कौन हो तुम और आश्रम में क्या कर रही हो? मैं नदी के उस पार वाले कबीले से आई हूँ। नदी के उस पार? वहाँ तो सभी छोटी जाति के लोग रहते हैं। ए लड़की, किसकी लड़की हो और यहाँ महामुनि मातंग के आश्रम के द्वार पर क्या कर रही हो? हम कुछ पूछ रहे हैं लड़की, बताओ किसकी लड़की हो? मैं एक भील कन्या हूँ। भील कन्या? आश्रम जैसी पवित्र स्थान पर? छी छी छी, मुझे तो फिर से स्नान करके शुद्ध होना पड़ेगा। अरे तुम तो शुद्ध हो जाओगे, लेकिन इस आश्रम का क्या होगा? सबसे पहले इस लड़की को यहाँ से निकालो। हाँ हाँ निकालो इसे यहाँ से, निकालो निकालो, निकालो। रुद्र, ये शोर कैसा है, क्या हुआ? देखिए गुरुवर, इस भील कन्या ने रात्रि से आश्रम में शरण ली हुई है। इसका दुस्साहस तो देखिए, नीच जाति की होकर आश्रम जैसे पवित्र स्थान को अपवित्र करने चली आई। आप निश्चिंत रहिए ऋषिवर, इसे हम अभी आश्रम से बाहर निकालते हैं। रुको, कौन उच्च है और कौन नीच, इसका निर्णय लेने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? ये जातियां मनुष्य की स्वयं की बनाई हुई हैं। कोई भी मनुष्य जाति से छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कोई छोटा होता है तो केवल अपने कर्मों से। परंतु गुरुदेव, हम तो आश्रम की शुद्धता के लिए। शुद्ध अपने विचारों को रखो, आश्रम स्वयं ही शुद्ध रहेगा। जब ईश्वर ने हमें बनाने में कोई भेदभाव नहीं किया तो ऊंच नीच का भेद करने का हमारा तो सामर्थ्य क्या है? हमें क्षमा कीजिए गुरुवर, हमसे बड़ी भूल हुई। देवी, दुर्व्यवहार के लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप लोग जा सकते हैं। बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? शबरी। शबरी, कितना प्यारा नाम है। बेटी, तुम यहाँ किस मंतव्य से आई हो? मुनि जी, मैं घर छोड़कर आई हूँ। घर छोड़कर आई हो, किस कारणवश? मेरे बाबा मेरा विवाह करवाना चाहते थे। तो इसी कारण तुमने घर छोड़ दिया? नहीं मुनि जी, विवाह तो मैं कर लेती, परंतु मेरे बाबा विवाह भोज के लिए सैकड़ों पशुओं की जान लेना चाहते थे, जो मुझे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। मैंने बहुत विरोध भी किया, परंतु बाबा नहीं माने। तत्पश्चात मैंने रात्रि में बाड़े से सारे पशुओं को मुक्त कर दिया और स्वयं यहाँ चली आई। इतने पशुओं की जान बचाकर तुमने बड़ा ही उचित कार्य किया है शब्द, लेकिन तुम अपने घर लौट क्यों नहीं जाती? नहीं नहीं मुनिवर, अगर घर गई तो बाबा क्रोध करेंगे, उन्हें विवाह तय कर देंगे और पशुओं की बलि देने के लिए तत्पर हो जाएंगे। इसी कारणवश मैंने ये निर्णय लिया है कि ना तो मैं घर जाऊंगी, ना मेरा विवाह होगा और ना ही पशुओं की जाने जाएंगी। क्या हुआ मुनिवर, क्या मैंने अनुचित किया? नहीं शबरी, तुमने कुछ भी अनुचित नहीं किया। अच्छा ये बताओ, अब जाओगी कहाँ? ऋषिवर, कहाँ जाऊंगी ये तो मैंने सोचा नहीं था। यदि आपको आपत्ति ना हो तो क्या मैं इस आश्रम में रह सकती हूँ? अवश्य, तुम चाहो तो इस आश्रम में रह सकती हो, परंतु आश्रम के अपने कुछ नियम होते हैं, तुम्हें उन नियमों का कठोरता से पालन करना होगा। ऋषिवर, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं आश्रम के नियमों का पूरी तन्मयता के साथ पालन करूंगी और आपको कभी भी शिकायत का अवसर नहीं दूंगी, तथा आश्रम के नित्य कर्मों में अपना मन लगाऊंगी। अच्छी बात है,
रुद्र, विनायक। जी गुरुवर। रुद्र, शबरी अब इसी आश्रम में रहेगी, तुम जाकर इसके भोजन की व्यवस्था करो। जी गुरुदेव। और विनायक, आश्रम की सफाई का कार्य शबरी को समझा दो। जो आज्ञा गुरुदेव। जाओ शबरी। जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुवर, आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। हाँ विनायक, मेरी प्रसन्नता का कारण शबरी ही है, क्योंकि इस कन्या ने बाल्यावस्था में वो सब पा लिया है जो एक मनुष्य अपने पूर्ण जीवन काल में भी नहीं पा सकता। ये कन्या रिश्तों नातों की मोह माया से दूर आ चुकी है, और जब कोई मनुष्य इस मोह माया को त्यागता है तो वो सहज ही ईश्वर को पा लेता है। शबरी और प्रभु के मिलन में